हेलो बच्चों ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है स्टील केबल विद रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट ए चेयर लिफ्ट एट ए स्की एरिया देखो बच्चों ये चेयर लिफ्ट का मतलब क्या होता है सबसे पहले देखो जैसे मान लीजिए कोई भी केबल है केबल का मतलब वायर होता है ये जैसे मान लीजिए एक स्टील का वायर है स्टील का केबल है अब किसी भी वायर की हेल्प से अगर आप जो है किसी लोड को लिफ्ट कर रहे हो लोड को लिफ्ट कर रहे हो तो उसे चेयर लिफ्ट बोला जाता है इसी प्रोसेस को चेयर लिफ्ट बोला जाता है जैसे जनरली होता है क्या बच्चों बिल्डिंग्स में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट का सहारा लिया जाता है ना तो ये जैसे आपका ये एलिवेटर है और ये आपका क्या है वायर है इस ये वायर से ये एलिवेटर कनेक्ट है तो यहां पे क्या होते है? लोग बैठे हुए होते हैं ना तो इन्हें चेयर लिफ्ट करना पड़ता है ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है तो लिफ्ट करने के लिए हमें ये स्वायर की जरूरत पड़ती है ठीक है तो ये बच्चों ये जो लोड है ना ये जो लोड है इस लोड की वजह से क्या होगा बच्चों यहां पे ये जो वायर इस वायर में क्या आएगा स्ट्रेस आएगा क्या आएगा स्ट्रेस आएगा तो देखो यहां पे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे चेयर लिफ्ट का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी लोड को अगर आप किसी वायर की हेल्प से किसी केबल की हेल्प से ऊपर की तरफ लिफ्ट करो तो इसे चेयर लिफ्ट करना बोलते हैं लेकिन इस वायर का जो रेडियस दे रखा बच्चों ये वाली जो वायर है इसका जो रेडियस दे रखा है वो वन सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है इतना समझ में आ गया तो आप चाहो तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे डिवाइडेड बाय हंड्रेड से इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1.5 पॉइंट फाइव इंटू की पावर माइनस टू मीटर हो जाएगा ये आपका रेडियस है ओके इतना समझ में आ गया अब देखिए बच्चों यहां पे क्या कह रहा है इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मतलब यह है कि बच्चों ये इस देखो जब हम इसमें लोड सस्पेंड करेंगे तो इसमें स्ट्रेस आएगा तो इसका जो स्ट्रेस है वो 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये जो वायर है ना ये वायर ब्रेक हो जाएगा इसीलिए लिखा हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड इतना मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है मैक्सिमम तो स्ट्रेस इतना दे रखा है इससे ज्यादा अगर होगा तो ये वायर क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है बच्चों जो मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है वो कितना दे रखा टेन की पावर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ओके वट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट वो कह रहा है ये जो केबल है यहां पे कितना मैक्सिमम लोड सपोर्ट कर सकती है देखो तो होता क्या है बच्चों जैसे जैसे हम ये लोड लोड बढ़ाते हैं ना इस इस को बढ़ाएंगे तो यहां पे का जो जो स्ट्रेस स्ट्रेस होता है है वायर में जो stress आता है, वो भी इंक्रीज होने लग जाता है अब यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस तो दे रखा है कि मैक्सिमम इतना स्ट्रेस झेल सकती है ठीक है तो हमें लोड पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम लोड यहां पर लगाया जा सकता है तो बच्चों स्ट्रेस का फॉर्मुला क्या होता है स्ट्रेस सभी जानते हैं बच्चों कि स्ट्रेस क्या होता है आपका लोड डिवाइड फोर्स का मतलब लोड होता है लोड डिवाइडेड

वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है समझ में आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाउ देखो बच्चों क्या होगा मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दे रखा टेन की पावर एट दे रखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा पाई पाईआर स्क्वायर तो पाई क्या होता है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ऐसा होता है ना वायर ऐसा पतला सा होता है वायर तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाईआर स्क्वायर तो पाई क्या होगा बच्चों ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इंटू आर का स्क्वायर तो रेडियस कितना ये देर का पावर माइनस टू इंटू वन पॉइंट इंटू टेन की पावर माइनस टू ओके दे बच्चों क्या हो जाएगा देखो ये टू अपॉन सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू यहां पर टेन की पावर एट है पावर माइनस टू इंटू टन की पावर माइनस टू हो जाएगा टेन की पावर माइनस फोर हो जाएगा तो बच्चों ये जो वैल्यू है मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको बता रहा हूं ठीक है कितनी आ रही है ये? बच्चों इसकी जो कैलकुलेशन आई इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है और इनको जब मैं सॉल्व करूंगा वो आ जाएगा 10 की पावर फोर तो ये आपका क्या आ गया मैक्सिमम लोड आ गया ठीक है तो इसका जो मैक्सिमम लोड है वो ये न्यूटन में आएगी ठीक है बच्चों वैल्यू ये न्यूटन में आएगी यही आपका क्या है मैक्सिमम लोड मतलब फोर्स मैक्सिमम लोड ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ओके